एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस, इसको हम कौन कौन सी एडिक्स में देखेंगे? फर्स्ट इडियोलॉजी, सेकंड क्लिनिकल फीचर्स, थर्ड डायग्नोसिस, फोर्थ ट्रीटमेंट एंड फिफ्थ कॉम्प्लिकेशंस। ये फाइव एडिक्स हैं कि तो फर्स्ट इडियोलॉजी में क्या होता है? फोर एडिक्स आती है। फर्स्ट वायरल राइनाइटिस, सेकंड डाइविंग एंड स्विमिंग, थर्ड डेंटल इन्फेक्शंस एंड फोर्थ ट्रॉमा टू साइनस। तो ये फोर रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट वायरल राइनाइटिस जो कि स्प्रेड करता है साइनस म्यूकोसा को इन्वॉल्व करते हुए, वो साइनसाइटिस कॉज कर सकता है। सेकेंड टाइपिंग एंड स्विमिंग, अगर कंटेमिनेटेड वाटर में तो भी कॉज कर सकता है साइनसाइटिस। एंड थर्ड डेंटल इन्फेक्शंस इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं मैक्सिलरी साइनसाइटिस के, क्योंकि प्री मोलार और मोलार टीथ रिलेटेड होते हैं साइनस के फ्लोर से, तो बैक्टीरिया ओरल कैविटी से एंटर कर सकता है मैक्सिलरी साइनस में। फोर्थ, साइनस में ट्रॉमा अगर हो जाता है जैसे कि कंपाउंड फ्रैक्चर्स, पेनिट्रेटिंग इंजरीज या गनशॉट वाउंड्स, तो भी साइनसाइटिस हो सकता है। सेकेंड क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में दो हेडिंग्स आएगी, फर्स्ट डिपेंड्स ऑन एंड सेकेंड फीचर्स। तो फर्स्ट डिपेंड किस पे करता है क्लिनिकल फीचर्स? फर्स्ट सीबीआरटी पे डिपेंड करता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की, एंड सेकेंड ऑस्टियम की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो एक्सीडेट्स को कितने अच्छे से ड्रेन कर सकता है। देन सेकेंड इसके फीचर्स क्या आते हैं? सेवन फीचर्स आते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, सेकेंड हेडेक, थर्ड पेन, फोर्थ टेंडरनेस, फिफ्थ रेडनेस एंड एडिमा ऑफ चीक, सिक्स्थ नेजल डिस्चार्ज एंड सेवन्थ पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में आता है फीवर, जनरल मेलेस अच्छा लग रहा है, बॉडी में पेन हो रहा होता है, बॉडी एक। देन सेकेंड हेडेक में, ये फोरहेड में जनरली कन्फाइंड रहता है और इसीलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार फ्रंटल साइनसाइटिस से। थर्ड पेन होता है, तो पेन यूजुअली अपर जॉ में सिचुएटेड रहता है और रिफर हो सकता है गम्स में या टीथ में। देन फोर्थ टेंडरनेस होता है, टेंडरनेस अगर प्रेशर डालते हैं या टैपिंग ओवर करते हैं एंट्रम की एंटीरियर वॉल में तो फिर पेन होता है। देन फोर्थ मैक्सिलरी एंट्रम की एंटीरियर वॉल में ना। देन फोर्थ रेडनेस एंड एडिमा ऑफ चीक होता है, तो ये कॉमनली चिल्ड्रन में देखा जाता है, चीक का काल में एडिमा हो जाएगा और रेड दिखने लगते हैं चिल्ड्रन में। नाउ सिक्स्थ नेजल डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज होता है एंटीरियर राइनोस्कोपी और नेजल एंडोस्कोपी में, ये दिखता है पस या म्यूकोपस मिडिल मीएटस में। देन सेवन्थ पोस्ट नेजल डिस्चार्ज, तो पस यहाँ पे देखा जा सकता है अपर सॉफ्ट पैलेट में, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में या नेजल एंडोस्कोपी में, तो इससे पता चलता है कि पोस्ट नेजल डिस्चार्ज है। नाउ थर्ड डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तीन तरीके से करते हैं, फर्स्ट ट्रांस एल्यूमिनेशन, सेकेंड एक्सरे एंड थर्ड सीटी स्कैन। तो फर्स्ट ट्रांस एल्यूमिनेशन टेस्ट में अफेक्टेड साइनस जो है ना वो ऑपेक दिखता है। देन सेकेंड एक्सरेज में क्या दिखता है? वाटर्स व्यू में एक ओपेसिटी दिखती है या तो एक फ्लूइड लेवल दिखता है इन्वॉल्व साइनस में। देन थर्ड सीटी स्कैन में क्या दिखता है? ये प्रिफर्ड इमेजिंग मॉडलिटी होती है साइनसिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नाउ फोर्थ है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट फर्स्ट मेडिकल से होता है, सेकंड सर्जिकल। तो मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इसकी फाइव हेडिंग्स आएंगी, फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, सेकंड नेजल डीकंजेस्टेंट्स, थर्ड स्टीम इनहेलेशन, फोर्थ एनाल्जेसिक्स एंड फिफ्थ हॉट फॉर्मेंटेशन। तो फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स में एम्पीसिलिन और मैक्सिसिलिन देते हैं, या फिर एरिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन भी इक्वली इफेक्टिव रहता है। सेकेंड नेजल डीकंजेस्टेंट ड्रॉप्स में 1% एफेड्रिन या फिर 0.1% साइलो या ऑक्सीमेटाजोलिन यूज़ किया जाते हैं नेजल ड्रॉप्स की तरह डीकंजेस्ट करने के लिए साइनस ऑस्टियम को और एनकरेज करने के लिए ड्रेनेज। नाउ थर्ड स्टीम इनहेलेशन होता है, तो स्टीम इनहेलेशन स्टीम या तो एलोन प्रोवाइड करता है या फिर मेडिकेटेड रहती है वो मेंथॉल से, तो जिससे कि सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है और साइनस ड्रेनेज एनकरेज होता है। तो ये 15 से 20 मिनट देते हैं पेशेंट को नेजल डीकंजेशन के बाद बेटर पेनिट्रेशन के लिए। नाउ फोर्थ है एनर्जेसिक्स। एनर्जेसिक्स में पैरासिटामोल या फिर कोई भी दूसरा एनर्जेसिक देते हैं पेन के रिलीफ के लिए और हेडेक के रिलीफ के लिए। नाउ फिफ्थ है हॉट फॉर्मेंटेशन। हॉट फॉर्मेंटेशन अफेक्टेड साइनस में लोकल हीट देते हैं जिससे सूदिंग इफेक्ट मिलता है और इन्फ्लेमेशन का रिजोल्यूशन होता है। देन सेकेंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट एंट्रल लेवाज करते हैं, रेयरली इसकी ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है, लेकिन जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाता है ना सिर्फ तभी करते हैं सर्जिकल। नाउ फिफ्थ हेडिंग है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस चार टाइप्स के हैं, फर्स्ट सब एक्यूट या क्रोनिक साइनसाइटिस, सेकेंड फ्रंटल साइनसाइटिस, थर्ड ऑस्टाइटिस या ऑस्टियोमायलाइटिस एंड फोर्थ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या एब्सेस।
तो फर्स्ट सब एक्यूट या क्रॉनिक साइनसाइटिस में बदल सकता है, एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस। सेकंड फ्रंटल साइनसाइटिस भी हो सकता है क्योंकि फ्रंटल साइनस के ड्रेनेज पाथवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है एडिमा के कारण मैक्सिलरी साइनसाइटिस में। देन थर्ड ऑस्टाइटिस या ऑस्टोमाइलाइटिस हो सकता है मैक्सिला का। देन फोर्थ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या एब्सेस हो सकता है, इन्फेक्शन अगर स्प्रेड करता है ऑर्बिट में ईडिमा के कारण। तो ये था एक्यूट मैक्सिलरी साइनसाइटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।